नमस्कार बच्चों, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। उत्तर प्रदेश, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय योगी जी ने आप सभी को यह बताया है कि अगले 1 साल में 2 लाख वैकेंसीज देने की बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमारा फोकस ये 2 लाख वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी पे जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो 2 लाख वैकेंसी की बात कर रहे हैं, ये पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं, और तमाम जानकारी हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। ऐसे छोटे छोटे जहाँ पे हमें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और सही जो हमारे पास डेटा अभी तक आप बच्चों के पास नहीं पहुँचा है, मेरे माध्यम से शायद आपके पास पहुँच जाए और सही बात भी पहुँच जाए। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इसमें बात को जोड़ते हुए आपसे बोलूंगा कि आजकल जब वैकेंसी की बात आती है तो छात्रों से ज़्यादा कहीं ना कहीं अध्यापक खुश होते हैं। अभी मैं इस पे ज़्यादा बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, और आप लोगों में से ये बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि आप इनके ऊपर तंज कस रहे हैं, आप उनके ऊपर तंज कस रहे हैं। मैं किसी के ऊपर तंज नहीं कस रहा हूँ, लेकिन हकीकत और वास्तविकता से आपको वाकिफ करा रहा हूँ। हालांकि हो भी क्यों ना, ये बात आपको समझना चाहिए। जैसे आपको रोजगार मिलता है, कोई नई भर्ती आती है, तो संस्थानों को भी रोजगार ही मिलता है आपके बदौलत ही, सही। तो इसमें कुछ बुराई भी नहीं है, इस बात को मैं आगे स्पष्टीकरण दूंगा। लेकिन अभी अगर आप देखो तो योगी जी के पर्सनल ट्विटर हैंडल पे योगी आदित्यनाथ जी ने इन्होंने बोला है कि अगले 2 वर्ष में अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस, अगर अगर इनके भाषण की पे जाओगे तो उन्होंने भाषण में बोला कि 2 वर्ष में 2 लाख, ये जो यहाँ पे 1 लाख लिखा हुआ है, उन्होंने बोला कि 2 वर्ष में 2 लाख वैकेंसी देंगे। और उसके बाद उन्होंने ट्विटर हैंडल पे ये लिखा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 1 लाख नौजवानों को भर्ती कराने जा रही है। इसका मतलब ये समझा जाए कि 1 लाख जो वैकेंसी है वो आपकी 1 लाख वैकेंसी, आपसे ये बोल सकते हो कि ये यूपी पुलिस की ना हो के ये यूपी SSSC हो सकती है, यूपी PSC हो सकती है। और सबसे बड़ा किधर जाता है संदेश, सबसे बड़ा एक फिगर जाता है तो शिक्षक भर्ती पे भी, क्योंकि अभी देखा जाए तो 22,000 पद कम से कम केवल TGT PGT का खाली है। हालांकि उसको लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि बाकी जो 1 लाख पद है किस विभाग में और किस आयोग से कितने पद आ रहे हैं, कि यूपी SSSC, UPPSC और जो नया आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग है उनसे कितनी वैकेंसी जा रही है, उनसे आप 1 लाख लेके चलो। और अब 1 लाख की वैकेंसी की बात किया जाए तो 1 लाख वैकेंसी किसके लिए बचती है, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बचती है। और इस 1 लाख वैकेंसी में इन्होंने ब्यौरा क्या दिया है, क्या इन्होंने स्टेटमेंट में अभी भी हम युवाओं को पागल ही समझे हैं, पागल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, या यकीनन ही हमारे बारे में सोच रहे हैं। देखिए, दो चीज है, हम जनता पागल नहीं है, हम लोग पागल नहीं, हम छात्र पागल नहीं है। अगर ये पागल बनाने का प्रयास करेंगे तो हम इन्हें 2027 में पागल बना देंगे, और बोलेंगे फिर अप्रैल फुल है ना, अप्रैल में ही चुनाव होगा, रिजल्ट आएगा तो वो भी अप्रैल फुल हो जाएगा। और अगर ये वास्तविकता किए हैं तो भाई चलो सही है, हमारे लिए सरकार वही सही जो हमारे बारे में सोचे, ना हमें कोई राजनीतिक मुद्दा उठाना है, ना हमें कोई राजनीतिक बात करनी है। अब सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको बता दूं कि ये जो 1 लाख पुलिस भर्तियों की बात कर रही है, इस 1 लाख भर्ती में शामिल कौन कौन सी भर्तियां हैं। 1 लाख भर्ती में शामिल जो सबसे पहली वैकेंसी है 2430 है, ये रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी है। ये 2 से 3 साल हो गए इस वैकेंसी को अभी क्लियर नहीं हुआ है, फाइनली रिजल्ट भी आया तो 90% कट ऑफ लगी है। और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड अब इस बात को कह रहा है कि भैया जो भी इसमें चीटिंग किए होंगे इनके नए सिरे से जाँच की जाएगी, और नए सिरे से जाँच की जाएगी तो नए सिरे से रिजल्ट बनेगा, मतलब कि अभी ये लेट होगा। तो ये ठीक है, 2 साल इसका मतलब इसे खींच सकते हैं, उन्होंने बोला है 2 साल में भर्ती देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है 2 साल तो इनके लिए समय ज़्यादा होता है। जब 2-3 साल बर्बाद कर दिए तो 2 साल और से यूपी SSSC में बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं जहां पे लोगों की 6-6, 7-7 साल बर्बाद हो जाते हैं, आधी जवानी निकल जाती है। तो इसके लिए भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जब तक आप दूसरी वैकेंसी के लिए इसके इंतजार में बैठे रहोगे, कोई दूसरी वैकेंसी आएगी, दूसरा रेडियो ऑपरेटर आएगा, तब तक आप ओवर एज हो चुके होंगे। तो यह बात उनके तौर पर समझने का प्रयास करिए। यूपीपी 60,244। अच्छा, मेरी बात यहां से मुझे ध्यान आया, अभी उन्होंने एक मीडिया का एक नया नियम लाया है कि जो सरकार के लिए बोलेगा, सरकार की तरफ से बोलेगा, उन यूट्यूबर 8 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, और जो सोशल मीडिया वहां पर इन्फ्लुएंसर होते हैं उनको महीने के रूप में योगी जी सरकार की तरफ से रुपए देंगे, और जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उन्हें क्या करेंगे, उन्हें सजा देंगे। तो भैया दे दो सजा, हम तो ऐसे गलत गलत चीजों में आपका वाहवाही नहीं कर पाएंगे अगर आप गलत करोगे, तो सिंपल सी बात यह है। तो 60,244 भी इसी में जोड़ रहे हैं, जो दूसरी वैकेंसी हो गई। 60,244 और 2430 को जोड़ो तो मेरे ख्याल से, अगर मेरी मैथ ठीक है, तो 62,600 के आसपास आपकी वैकेंसी आ जाएगी, 62,074 वैकेंसी आपकी आ जाएगी।
उसके बाद इसी में इन्होंने यूपीएसआई एएसआई 921 पदों की बात कर दिया, इसी में इन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटर के 930 पदों की बात किया, जिसके एग्जाम डेट अभी तक इसके प्रस्तावित नहीं हुए हैं क्योंकि वैकेंसी 60,244 थी। तो पूरा प्रदेश, पूरा शासन, पूरा प्रशासन, पूरे संस्थान, पूरे आयोग, सब कोई केवल इस पे फोकस है, इन वैकेंसीज को भूल गए हैं। इसका मतलब छोटी वैकेंसीज की कोई कद्र नहीं है, छोटी वैकेंसीज का कोई मतलब नहीं है, छोटे लोगों का कोई हक नहीं है, अधिकार नहीं। जिनकी संख्या ज्यादा है उन्हीं की अधिकार है, और जिनकी संख्या ज्यादा नहीं है वो क्या है, वो तो राइट टू इक्वलिटी में आते ही नहीं है। उनके लिए संविधान ही नहीं बना है, उनके लिए बराबर की चीजें होना कहीं लिखा ही नहीं है। तो भैया आप लोग क्योंकि कम पद वाले हो, कम संख्या वाले हो, आप लोग ऐसे झेलते रहोगे, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद इन्होंने अब बोला कि नई वैकेंसी जो आ रही है वो यूपीएसआई के 5,000, अगर इन सबको वैसे जोड़ लिया जाए तो यहां पर अगर देखा जाए तो लगभग 63,000 पद हो गए, 2,065,000 पद हो गए, लगभग 65,000 पद इन्होंने यहां तक क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। देखिए बेवकूफ बनाने का तरीका भी मतलब एक होता है, एक लिमिट होती है। और अब देखिए इसमें क्योंकि 5,000 पद, यूपीएसआई पिछली बार कब आई थी अगर आपको डेट याद हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो यूपीएसआई तब के बाद से अब नए पद आएंगे कितने, वो भी 5,000 केवल, और वो भी इन्होंने बोला कि मैंने जैसे थंबनेल में आपने देखा होगा कि मैंने आपको बोला बिग चेंज। इस बिग चेंज में आप लोग समझते हो क्या है, इस बार जो पेपर आपका होने वाला है, पहली बात तो सारे पेपर ऑफलाइन मोड में होंगे, ऑनलाइन अब कोई पेपर इनके होने का चांसेस खत्म हो गए हैं जैसे इनकी बात चल रही है। दूसरी बात, अब इनके जहां पे भी ज्यादा संख्या में आवेदन आएंगे वहां पे प्री और मेंस लगा देंगे। अरे भाई प्रीलिम्स के एक जब सिंगल स्टेज पेपर होता है तब आप सही से करा नहीं पाते हो, तब आप ना समय से करा पाते हो ना शुचितापूर्वक करा पाते हो, और जब आपका दो स्टेज हो जाएगा तब आप कितना समय लोगे। तो मैं तो इसी बात से डरा जा रहा हूं कि दो स्टेज होगा, चलो ठीक है, संस्थानों की खूब वाहवाही होगी, पहले प्री में पैसे आएंगे फिर मेंस में पैसे आएंगे, तीन बैच प्री के बनेंगे, तीन बैच मेंस के बनेंगे, वो एक डिफरेंट थिंग है, सबकी कमाई होगी, हम भी चार पैसे कमा लेंगे, वो एक डिफरेंट थिंग है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि छात्र वर्ग परेशान होगा, प्रीलिम्स मेंस सब देने के लिए चक्कर में, और उसका नाजायज समय बर्बाद किया जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, यहां पे चीजें बदलेंगी, और 5,000 वैकेंसी यूपीएसआई की आ रही है। उसके बाद देखिए जो पक्की खबर है, 700 वैकेंसी लगभग फिर से कंप्यूटर ऑपरेटर की आएगी, लेकिन ये 2025 में आएगी अंत तक। ऐसे यूपीएसआई और इस जो आपके क्या होते हैं जो मिनिस्ट्रियल संवर्ग के होते हैं, इसकी वैकेंसी फिर से आएगी, और 1300 पदों पे फिर से वैकेंसी आ रही है, ये भी आप 2025 के नवंबर दिसंबर तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। और रेडियो ऑपरेटर की नई वैकेंसी, ये आपकी कब आएगी, ये वैकेंसी अब आपके 2026 में जाएगी। तो ये वैकेंसी को भी अगले दो साल में जोड़ रहे हैं, और अगर इनको जोड़ोगे तो लगभग 4,000 पद यहां पे हो जाते हैं, 65,000 जोड़ोगे 69,000 हुए। उसके बाद कम से कम 2,500 में पीएससी महिला और पुरुष का हो गया, फायरमैन का हो गया, जेल वार्डर का हो गया, तो ऐसे लगभग 72,000 से 75,000 पहुंचेंगे। 72,000 से 75,000 के पास बचा आपके पास कितना, 25,000 पद। तो 25,000 पद नए कांस्टेबल के आएंगे, और कब आएंगे इसका भी मैं आपको टाइमलाइन बता दूं, क्योंकि मार्च से अप्रैल तक तो यही वैकेंसी कंप्लीट होगी, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग चलेगी, ट्रेनिंग चलने के बाद ये वैकेंसीज आना शुरुआत होंगे, फिर जाके आपका ये जो वैकेंसी है, क्योंकि ये मामला जब गर्म होगा तभी वैकेंसी आएगी, और ये मामला गर्म कब होगा, 2027 के चुनाव से पहले, यानी वर्ष 2026 में आपकी ये वैकेंसीज आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये समझो कि मैं ये कह रहा हूं कि नहीं नहीं 2026 तक बैठे रहो। आप मौजूदा स्थिति में पेपर का लेवल देख रहे होगे, मौजूदा स्थिति में कंपटीशन देख रहे होगे, तो तैयारी आपको आज से करनी है। वैकेंसी भले 26 में आए, आज आपका पेपर खराब हुआ है, मैं उस चीज को फील कर सकता हूं कि हाँ भाई एक बच्चा जब मेहनत करता है, जब उसके स्कोर 220 230 आ रहे होते हैं तमाम प्लेटफॉर्मों पे, और जब वास्तविकता में पेपर देने जाता है तब उसका स्कोर 20-30 नंबर कम हो जाता है, 190 नंबर भी बनना मुश्किल हो जाता है, मैं उसको समझता हूं, और वो डरा होता है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ये बात अलग की है, जब रिजल्ट आएगा, जब कट ऑफ आएगा, तब पता चलेगा कि हाँ भैया हमारा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं एनालिसिस, आप गूगल फॉर्म भर दीजिए, एनालिसिस तो आपको बता ही दूंगा कि कौन सा बच्चा सेफ में है। लेकिन फिर भी ये बात हमें अगले 7-8 महीने बाद पता लगेगी कि हमारा हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या 7-8 महीने हम बैठ के मक्खी मारे, क्या 7-8 महीने हम अपना समय बर्बाद करें, या फिर हम डिफरेंट वीडियोस में कि वैकेंसी आ रही है, वैकेंसीज आ रही है, इस हुड़दंग में अपने अपना समय बर्बाद करें, क्योंकि हमारे पास क्या है, फ्री का सोशल मीडिया है, फ्री का यूट्यूब है, फ्री का इंटरनेट है, चलो फ्री का ही बोलेंगे, अगर वाईफाई आप यूज करते हो लाइब्रेरी का, और अपने पैसे का भी यूज कर लो तो भी डेटा इतना मिल रहा है कि आपका समय तो फ्री का बन गया है, और आप उसे रील्स स्क्रॉल करते रहते हो, देखते रहते हो, समय आप आराम से, जिस प्रकार से वो जो आप रील्स उड़ा रहे हो, वो रील्स नहीं उड़ा रहे हो, वो आप अपना समय उड़ा रहे हो। तो 6-7 महीना कितने समय उड़ा दे रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है। मेरा कहना ये है कि आज से आप अपनी तैयारी शुरू करो। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि सर आप तो अपना कोर्स बेच रहे हो, इसलिए बोल रहे हो आपसे तैयार करो। मैं करूं, अगर ऐसा लग रहा है मैं कोर्स
बेच रहा हो, तैयारी करना तो मत करो भैया, बैठे रहो, हमारे कहने से तैयारी तो करोगे नहीं, बैठे रहो, जब 2026 में वैकेंसी आ जाएगी, जब फॉर्म भर जाएगा तब तैयारी शुरू करना, मेरा तो कुछ जाएगा नहीं। और दूसरी बात, जो बच्चा ये सोच रहा है कि मैं अगर अपना कोर्स निकाल रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ मेरे भाई, 60,244 पद में पूरा का पूरा कोर्स शुरू से फ्री कर रखा हूँ, निःशुल्क कर रखा हूँ, हर बच्चा निःशुल्क में पढ़ा है, आज भी बच्चा निःशुल्क में पढ़ रहा है, आज भी मैं वो कंटेंट आपको दे रहा हूँ जो अन्य संस्थान करोड़ों कमा के और अब बैठ गए हैं, वो एक्स्ट्रा मेहनत नहीं कर रहे हैं आपके लिए कि लास्ट टाइम में भी मेहनत किया जाए, क्रॉस सेक्शन का क्वेश्चन है या फिर आपके प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है या फिर जीएस में जीएसटी संबंधित कुछ बढ़िया प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हिंदी में कुछ बढ़िया, वो सब नहीं कर रहे, वो तो बस लेके बैठ गए, बस उसी पर आधारित मॉडल पेपर करवा रहे हैं, काम खत्म है ना। तो आप समझिएगा, फिर भी निःशुल्क में मैं करवा रहा हूँ, और फिर आपसे वादा करता हूँ कि जब तक ये वैकेंसी नहीं आ जाएगी, वो पूरा बैच आपको निःशुल्क परीक्षा प्लस ऐप पे फ्री कोर्सेस में मिलेगा, एक रुपये उसका लगेगा नहीं। तो ये मत चिंता करो कि आलोक सर अपनी वाहवाही कर, आलोक सर की वाहवाही नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका हित होगा, ये सबसे बड़ी बात है। आप में से अभी भी आपको लगता है, बहुत सारे लोग अभी भी सहमत होंगे, नहीं सहमत होंगे, नहीं भी सहमत होंगे तो कमेंट में दिल खोल के कर सकते हो, ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई आपको जेल नहीं भेज देगा, और अगर सहमत होंगे तो भी आप कमेंट करके बताइएगा, और चीज़ें पसंद आए तो यहाँ पे लाइक भी करते हुए चलेगा। अब सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन है आपकी यूपीएसआई नई भर्ती की, तो यूपीएसआई नई भर्ती ये आपकी सबसे पहली वैकेंसी आ रही है, कब आ रही है सबसे पहले मैं आपको बता दूं, और ये वैकेंसी अक्टूबर माह में आपको देखने को मिल जाएगी। रही बात पदों की संख्या, तो पदों की संख्या 5,000 के आसपास रहेगी, अर्हता पूर्व विज्ञापन के आधार पर रहेगा, जैसे पूर्व में आया है वैसे ही आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी, केवल उम्र में बदलेगी और उम्र में अर्हता नहीं बदलेगी, क्योंकि 3 साल का इन्हें रिलैक्सेशन देना है, तो ये उम्र में छूट, ये 3 साल का आपका क्या दे सकते हैं, यूपीएसआई की भी वैकेंसी में दे सकते हैं, इस बात को क्लियर समझेगा। बाकी यूपीएसआई की कंप्लीट डिटेल मैं कल या परसों में एक वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या आपका कौन बच्चा आवेदन कर सकता है और किस प्रकार से रणनीति बना सकता है और कैसे तैयारी कर सकता है। रही बात पैटर्न और पेपर की, तो संभवतः इसमें प्री और मेंस की बात चल रही है, क्योंकि इसमें भी फॉर्म के आवेदन फॉर्म की संख्या ज्यादा होगी, तो प्री और मेंस होंगे, पेपर ऑफलाइन मोड होगा और मेंस में 10-15 गुना बच्चा बुलाया जाएगा, तो यह आपके यूपीएसआई की कहानी है। बाकी ऐसे सारे में कहानी आपको बताता रहूंगा कि कहां पे क्या चेंजेस हो रहे हैं, कहां पे क्या आ रहा है, और उम्मीद है इससे आपको सही समय पर सही जानकारी का फायदा भी मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर मिलूंगा, धन्यवाद सभी का, आभार।